Today's topic is rippling. You might have heard this word ripple. आपने सुना होगा हम वाटर रिपल्स की बात करते हैं, हम कहते हैं रिपल्स जो बनते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, तो ये वही रिपल्स हैं। अब रिपल टैंक क्या होता है? रिपल टैंक हम कहते हैं एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम वाटर वेव प्रोड्यूस करते हैं एंड देन उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। वाटर वेव हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे ये हम देखते हैं, उसके लिए हम अपरेटस देखेंगे। रिपल टैंक का क्या होता है? इसके अपरेटस में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है कुछ ऐसे, और इस रेक्टेंगुलर ट्रे को हमने हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल रखा हुआ है। ये इस ट्रे के एजेस हैं और इसकी जो बॉटम सरफेस है ये वाली, ये ग्लास की है। ग्लास की क्यों है ये हम देखेंगे, ठीक है। और इसको हमने फिल किया हुआ है शैलो वाटर से। शैलो वाटर मीन्स कि वो डीप नहीं होना चाहिए, मीन्स कि उसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वाटर की। और यहाँ पर हमने एक अदद रखी है वुडन प्लेट। वुडन प्लेट के ऊपर हमने मोटर फिक्स की हुई है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर, और इस मोटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है किसी सप्लाई के साथ, ठीक है। और ये इस तरह से पड़ी नहीं हुई है पानी के अंदर, इसको कोई सबमर्ज नहीं है, बल्कि इसको हमने हैंग किया हुआ है। यहाँ पर दो इसके हुक्स लगे हुए हैं, ये एक टेबल है जो कि स्टैंड है जो कि इस टेबल के पीछे से आ रहा है ऐसे, और ये इस टेबल के ऊपर आ रहा है ऐसे। इसको हमने यहाँ से हैंग किया हुआ है इसके साथ। ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर करें, नज़र आया किस तरह से हैंग किया हुआ है? इस तरह से हैंग किया हुआ है लाइक हमारे पास ये फिक्स नहीं होना चाहिए कि अगर ये वुडन प्लेट मूव करे तो हमारे पास ये जो हैंग जहाँ से किया हुआ है ये भी मूव कर सके, मतलब हमारे पास इलास्टिक सस्पेंशन है। यहाँ इलास्टिक सस्पेंशन होनी चाहिए इसके, लाइक यहाँ पर हम कोई स्प्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि ये वुडन प्लेट ईजिली मूव करे तो ये चीज़ मूव कर सके। अब हम वाटर वेव कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे? ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है जब हम इसको ऑन करेंगे ये एज अ वाइब्रेटर एक्ट करेगी, और चूंकि वुडन प्लेट इस तरह फिक्स हुई हुई है तो जब ये वाइब्रेटर ऑन करेंगे तो ये हमारे पास जो वुडन प्लेट है ये भी वाइब्रेट करेगी। इसके वाइब्रेट करने से लाइक ऊपर नीचे मूव करने से यहाँ हमारे पास वेव प्रोड्यूस होंगी, और जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में होंगी इस तरह से। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ये जो वुडन प्लेट है ये भी स्ट्रेट है, इसलिए वेव फ्रंट भी हमारे पास स्ट्रेट बनेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सर्कुलर वेव को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर यहाँ वुडन प्लेट नहीं अटैच करेंगे, कोई बॉब अटैच कर सकते हैं इस तरह से। अब जो वेव प्रोड्यूस होंगी लाइक इसके साथ हमने मोटर अटैच की है, मोटर के साथ इसको बॉब को फिक्स किया हुआ है, अब जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो इस तरह से सर्कुलर बनेंगी, जैसे हम कोई स्टोन को फेंकते हैं पानी के अंदर तो सर्कुलर वेव बनती है उसके इर्द गिर्द सिमिलर। अब हमारे पास ये जो वेव फ्रंट बन रहे हैं इसको हमने किसी पेपर पे नोट करना चाह रहे हैं कि भाई किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है। ये बल्ब क्या करेंगे, जब हम इस बल्ब को ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या होंगी, लाइट रेस पड़ेंगी पानी के ऊपर, और क्योंकि इसकी बॉटम सरफेस हमने ग्लास की ली थी तो हमारे पास इसमें से लाइट रेस पास करेंगी और हमें यहाँ एक पैटर्न मिलेगा। अब ये जो पैटर्न मिलेगा ये हमारे पास इस तरह से होगा कि एक ब्राइट एंड देन ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट एंड देन डार्क, इस तरह से मिलेगा हमारे पास कि हमें ब्राइट एंड डार्क लाइंस मिलेंगी। अब हम कहते हैं ये जो हमारे पास ब्राइट पोर्शन होता है, ब्राइट लाइंस, ये एक्चुअली क्रस्ट है एंड ये जो डार्क है ये ट्रफ है, ठीक है। एक्चुअली हमें यही पैटर्न चाहिए था, ये इसका ऑपरेटर्स होता है जिससे हम वेव प्रोड्यूस करवाते हैं एंड देन उसको स्टडी करने के लिए इस तरह से पैटर्न से हम स्टडी कर सकते हैं कि हमें क्या करने से कैसा पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्रस्ट और ट्रफ ये ब्राइट एंड डार्क के अपीयर होते हैं, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता देती हूँ। एक्चुअली हमारे पास वेव कैसी होती है, इस तरह से वेव होती है। हम कहते हैं ये जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वेव की ये क्रस्ट होती है एंड ये जो है नीचे वाली ये ट्रफ होती है, ठीक है। और हम कहते हैं एक क्रस्ट से नेक्स्ट क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है ये एक वेवलेंथ के इक्वल होता है,
और एक ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस एक वेवलेंथ के इक्वल होता है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अच्छा यहाँ ये पैटर्न है, इसको हम कैसे शो करेंगे, इस वेव से मैं रिलेट करके बताती हूँ। लाइक अगर ये हमारे पास इस तरह से बनी हुई है ना, ठीक है, छोटी सी मैंने बनाई, अब ये वाला जो पोर्शन है क्रस्ट वाला, ये हमारे पास ब्राइट होगा, लाइक ये वाला, ये ब्राइट, एंड देन ये वाला जो पोर्शन होगा ना नीचे वाला, ये डार्क लाइन्स शो करेगा, फिर ब्राइट, फिर ये डार्क, ये वाला पोर्शन ब्राइट है क्रस्ट वाला, फिर ट्रफ वाला डार्क, इस तरह से ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। अब ये ब्राइट क्यों शो करता है और ये डार्क क्यों शो करता है, वो इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये वेव इस तरह से है, ओके, बड़ा करके बनाया, तो हमारे पास हम कहते हैं जो क्रस्ट है ऊपर वाला पोर्शन है वो एज अ कन्वेक्स लेंस एक्ट करता है, ठीक है, और जो नीचे वाला है वो एज अ कनकेव लेंस एक्ट करता है। कन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है, कनकेव का क्या होता है, ये आपकी बुक से मैं आपको दिखाती हूँ, आगे चैप्टर 3 में आगे हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये देखें, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि अगर हमारे पास लाइट रेस आ रही है ना, तो ये इनको एक पॉइंट पे फोकस करता है, लाइक उसको कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है एक पॉइंट, जबकि जो हमारे पास ये वाला कनकेव लेंस है ये क्या करता है, लाइट रेस आ रही है पैरेलल, लाइट रेस इनको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पर। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कन्वर्जिंग होता है कन्वेक्स मिरर, और ये कन्वेक्स मिरर क्या है, कन्वेक्स लेंस, और ये डाइवर्जिंग होता है दूसरा वाला। अब कन्वेक्स लेंस पे क्या होगा, ये क्रस्ट एज अ कन्वेक्स लेंस एक्ट करता है, तो जब लाइट रेस आएंगी, ये बस वेव है, ठीक है, यहाँ से लाइट रेस लेट्स सपोज आ रही है, ऊपर जो बल्ब हमने ऑन किया है उसकी वजह से, ठीक है, थोड़ा मैं इसको इससे बनाती हूँ दूसरे बोल। अच्छा ये जो रेस आएंगी जब ये इस पोर्शन पे पड़ेंगी जो एज अ कन्वेक्स लेंस एक्ट कर रहा है क्रस्ट वाला पोर्शन, तो क्या करेगा, ये लाइट रेस को एक पॉइंट पे यूं करेगा, कन्वर्ज करेगा, जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है, नेक्स्ट अगेन कन्वर्ज करेगा लाइंस को एक पॉइंट पे, ये वाला पोर्शन फिर डाइवर्ज करेगा, ये फिर कन्वर्ज करेगा, ये फिर डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, लाइक इस तरह से। अब जहां पे लाइट इस कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे फोकस हो रही है, तो वहां पर लाइट क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी उस जगह पे, और वो जगह ब्राइट हो जाएगी। अब ये वाला पोर्शन हमारे पास इसलिए ब्राइट होता है ये इस तरह से, एंड देन यहाँ पर लाइट कम है क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट रेस को डाइवर्ज कर रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये वाला हमारे पास डार्क है, ठीक है, एंड फिर ब्राइट है, एंड ये फिर डार्क है, ये ब्राइट है, एंड देन ये वाला फिर डार्क है, इस तरह से हमारे पास ब्राइट डार्क पैटर्न बनता है। लाइक ये वाला ब्राइट पोर्शन है जहाँ पर लाइट रेस कन्वर्ज हो रही है, और ये वाला डार्क है जहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, तो इस तरह से हमें ये पैटर्न मिलता है। अब आपको ये अगर समझ आ गया है तो आगे इसकी हम करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स में इसके 3 हैं, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन एंड देन डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये 3 हम स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से होती हैं, लेकिन आपको यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।